नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। एसी कमरों में बैठकर सरकार की योजनाओं को चलाने वाले अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। जिलाधिकारी ने मीडिया में प्रेस नोट जारी कर दिया कि जिले की 17 सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और उन सड़कों को नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने मौके पर जाकर हकीकत देखना मुनासिब नहीं समझा। जबकि इन सड़कों में अधिकतर इतने गड्ढे हैं कि राहगीरों का चलना मुश्किल है। जिले में अधिकतर सड़कों को कागज में ही गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, लेकिन इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों को पता नहीं कि सड़क पर बने गड्ढे कहां भरे गए। राहगीरों ने बताया कि विभाग ने कागज में ही सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की थी, उसके बावजूद जिम्मेदारों की सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। बानगी के तौर पर मूड़घाट दुबौला पचपेड़वा मार्ग को ही ले लीजिए, सड़क की हालत काफी दयनीय है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। राहगीरों ने कहा कि वो रोज इसी मार्ग से शहर आते जाते हैं। सड़क खराब होने के चलते गांव से शहर तक की यात्रा तय करने में काफी समय लग जाता है। सड़क इतनी जर्जर है कि वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सड़क को गड्ढा मुक्त करना तो दूर पैचिंग कार्य तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। ये सड़कें भी कागज में ही गड्ढा मुक्त हो गई हैं। टेनेज कप्तानगंज मार्ग संसारीपुर से पैकोलिया मार्ग मूड़घाट से दुबौला पचपेड़वा मार्ग को विभाग ने कागज में ही गड्ढा मुक्त कर दिया है। हकीकत में सड़क पर गड्ढे बने हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिम्मेदार इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। शीघ्र ही सड़क नहीं बनी तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। जाते हैं गड्ढा मुक्त क्या हुआ है सर, देखिए इसकी हालत ऐसी ही बना हुआ, गड्ढा का गड्ढा रह गया, कागज में कम्प्लीट हो गया। ये कौन सी सड़क है? ये संसारीपुर से उभाई होते हुए गोकुलपुर चली जाती है। तो ये संसारीपुर उभाई मार्ग को तो कागज में गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग फिर क्यों गड्ढा छोड़ के रखा है? पता नहीं सर, देखिए इसको तो ऐसे ही कहीं कहीं चक्की लगा दिए हैं, कहीं तो ऐसे गड्ढे का गड्ढा, उसमें गिट्टी भी नहीं डाले हैं, ऐसे पड़ा हुआ है। ये 4-5 साल से इसकी यही स्थिति है साहब, और खराब हो गया है बिल्कुल। एक कौड़ी का नहीं, आके 2-3 ऐसे डाल के चले गए हैं गिट्टी, डामर बिल्कुल नहीं डाले हैं, पूरा गड्ढे गड्ढा और गड्ढा हो गया। गाड़ी आ जा रही थी उससे और गड्ढा बन गया है। तो जो लोग इस रास्ते से जा रहे हैं तो चुटिले भी होते होंगे गड्ढे? अरे बहुत बहुत से लोग। क्या कहेंगे आप सरकार से? अब सरकार से यही कहेंगे रास्ता दुरुस्त नहीं हुआ, बना नहीं है, सड़क ऐसे कैसे पड़ी हुई, आके डामर ऐसे छिड़क के और गिट्टी गिरा के चले गए हैं, कुछ दुरुस्त नहीं करके गए हैं। मतलब कागजों में कंप्लीट हो गया? नहीं, अब कागजों में कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे हुआ ही नहीं है, तो हम क्या उसका बताएं। अच्छा, कितना दिन से ये सड़क ऐसी स्थिति में? अरे बहुत दिन से हो, कम से कम 4-5 साल से इसे स्थित है इसका, और आने जाने का ये रास्ता कागजों में गड्ढा मुक्त हो गया, क्या कहेंगे इसके? इसके लिए कहना क्या है, अभी आप देख लीजिए, संसारीपुर से उभाएं तक आपका 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो गया है, और गाड़ी और साइकिल की तो बात ही अलग है। कागजों में क्या हुआ है क्या नहीं हो तो हमें नहीं, लेकिन जो आता जाता है उसके लिए देखना पड़ेगा कि देखते हैं कि सड़क कैसा बन रहा है, कैसा है। तो आए दिन लोग छुटीले भी होते होंगे, गड्ढा है बहुत से जो होते हैं। लगभग कितने दिन से ये सड़क ऐसे है? ये लगभग ऐसे होता रहता है, बनेगा थोड़ा समय रहेगा, इसके बाद फिर ऐसा ही हो जाएगा। कितना वर्षों से सड़क नहीं बनी है? वर्षों से मैं तो जब से जानकारी हूँ तब से लगभग ऐसे ही है। सर जो है हमारे यहाँ 9 सड़कें अन्य जिला मार्ग की ली गई थी गड्ढा मुक्ति में, जिसमें 3 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क RES के द्वारा ये बताया गया कि इस पर हम नवीनीकरण का कार्य करेंगे, इसलिए उस पर काम नहीं चल रहा था उन 9 सड़कों में से 3 में, और शेष 6 सड़कों में काम चल रहा था और वो लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। और जो PMJSY की 3 सड़कें थी, एक थी कप्तानगंज से दुबौलिया, जिस पर काम शुरू हो गया है लगभग 2 दिसंबर से, जिसमें कि 80% काम पूरा कर लिया गया है। दूसरी सड़क थी टिनीस से कप्तानगंज, इसमें भी लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। चौथी जो है, तीसरी सड़क जो है
श्री राम जानकी मार्ग से उभाईपुर संसारी, ये भी पीएम जेएसवाई नवीनीकरण करने की बात कर रहा था, बाद में जो है इसमें जो है गड्ढा मुक्त कर लिया गया है, कुछ पीसी का काम कहीं कहीं बाकी है पेंटिंग का उस। तो इस तरह से सब 9 सड़कें कौन कौन सी हैं वो बता दें। कप्तानगंज से पिपरा गौतम, इसको गड्ढा मुक्त किया गया। लकड़ मंडी मखौड़ा एकदम अच्छे से वो हो गया है गड्ढा मुक्त, जो पैच थे बना दिए गए। परसा परशरामपुर संपर्क मार्ग 14 किलोमीटर लंबा है, उसमें 7.8 किलोमीटर में ही गड्ढा था, वो सब कर दिया गया है। और बाघा नाला परशरामपुर 12 किलोमीटर की सड़क थी, 10 में पैच था, 10 किलोमीटर में वो पूरा कर दिया गया है। एक है भदावल तिनौना जगदीशपुर खमरिया मार्ग, ये भी पूर्ण कर दिया गया है। तो इस तरह से 9 सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त में, 3 सड़कों पर काम चल रहा है, बाकी गड्ढा मुक्त हैं। इसके अलावा निर्माण खंड बस्ती की जो है सड़कें हैं 8, उन 8 सड़कों को मिला के सब 17 सड़कें होती थीं, जिसमें जो है मूड़ घाट से गणेशपुर दुबौला पचपेड़वा मार्ग जो है ये चौड़ीकरण शुद्धिकरण में गया हुआ है, इसलिए उस पर जो है नवीनीकरण का 5 किलोमीटर स्वीकृत है और टेंडर